हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स हम सफ़र पे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी शानदार रहने वाला है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हम डिस्कशन करेंगे बीपीएससी 66वीं इंटरव्यू में पूछे गए सवाल पे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने देववाक से, चलो ग्रामीण प्रशासन में। साथ ही साथ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताऊं कि जो इंटरव्यू है वो कई सेगमेंट में बटा हुआ है। जो इंटरव्यू बोर्ड के मेम्बर है, कोई हैं जो हॉबी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो कोई ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो कोई ऑप्शनल से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, कोई करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो सब जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनमें एक तो चेयरमैन होते हैं, बाकी जो मेंबर होते हैं सबका सेगमेंट बटा हुआ है, तो सारे सेगमेंट से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए तो आज हम देखते हैं, जो आज इंटरव्यू हुआ है 18/5/2022 को सेकेंड शिफ्ट में अरुण भगत सर के बोर्ड में, ठीक है, और यह इंटरव्यू लगभग 17 मिनट के आसपास चला है। तो जिन विद्यार्थी का, जिन कैंडिडेट का जो यह इंटरव्यू था, उनका ऑप्शनल था हिंदी लिटरेचर और उनका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट था फिजिक्स, ठीक है। चलिए तो आज का इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। देखिए, सबसे पहले ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से पूछा गया कि फिजिक्स से हिंदी साहित्य की, अच्छा ये जो है वो ग्रेजुएशन फिजिक्स से किए हैं तो फिर हिंदी साहित्य इन्होंने ऑप्शनल क्यों चूज किया। जो दूसरा प्रश्न पूछा गया इनसे, क्या करते हैं अभी, किस लेवल पर हैं, अच्छा ये कहीं जॉब करते हैं, बताए होंगे तो पूछे होंगे कि जॉब आप करते हो किस लेवल पे है, यानी जॉब से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हो गए। इसके बाद अब ऑप्शनल से क्वेश्चंस, जैसे हिंदी में जयशंकर प्रसाद की रचना बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है कामायनी पर हिंदी में टीका किसने लिखा है, ठीक है, ये इनका ऑप्शनल से संबंधित प्रश्न है। नेक्स्ट है बिहार के 5 रचनाकार, जो ऐसे रचनाकार हैं बिहार से, उनका 5 का नाम बताना है। छायावाद का काल क्या है, जो छायावाद का युग था वह युग के बारे में बताना है, उसका टाइम पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट है 1920 से क्यों नहीं, यही छायावाद का ही बाई पार्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है मैथिली साहित्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है, तो इस बार मिला है मैथिली साहित्य में, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो बताना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, देख रहे हैं कि पूरा जो इंटरव्यू अभी तक चल रहा है वह सब ऑप्शनल पे चल रहा है। बिहार का बाढ़ की समस्या क्यों है, तो बिहार में जो फ्लड का जो समस्या वह क्यों है। देखिए, घूम फिर करके 3-4 क्वेश्चन हर कैंडिडेट से पूछे ही जा रहे हैं, बाढ़ वाली समस्या, सुखाड़ वाली समस्या, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस क्यों है, ठीक है। फिर पूछा गया कि बाढ़ की जो समस्या क्यों है और उसका निराकरण का उपाय बताना है, ठीक है। आप एक प्रशासनिक पदाधिकारी बनने जा रहे हैं तो आपको तो समस्या तो पता होना ही चाहिए, समस्या पता होना चाहिए, इसके साथ उसका सॉल्यूशन भी आपको देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है नदी जोड़ो विश्व में कहाँ तक सफल हुआ है, उन्होंने बताया होगा कि बिहार में रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट चलाया जा सकता है और इससे जो भी हिमालयन रिवर है, ठीक है, वो उनका पानी यानी नॉर्थ बिहार का जो एक्सेस वाटर है उसे साउथ बिहार में ला करके नॉर्थ बिहार की फ्लड की समस्या और साउथ बिहार की ड्राउट की समस्या को दूर किया जा सकता है। तो नदी जोड़ो परियोजना कहाँ तक भी इसमें सफल हुआ, इसके बारे में पूछ दिए। फिर बोले कि नदी जोड़ो क्यों इतना लेट हो रहा है बिहार में, ठीक है। फिर बिहार में कहाँ कहाँ हुआ है नदी जोड़ो परियोजना, कौन कौन से रिवर लिंक किया गया है, जैसे कोसी और मेची को लिंक किया गया है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे रीजन है जो जहाँ पे एबंडेंट अमाउंट ऑफ वाटर हो जाती थी उस वाटर को डी चैनलाइज किया है, और उस एरिया में डी चैनलाइज किया गया है जहाँ पे वाटर का स्कार्सिटी रहता था और उस एरिया में कहीं ना कहीं वो इरिगेशन के रूप में यूज होगा। नेक्स्ट है फल्गु नदी में पानी कहाँ से जाएगा, जैसे देखिए फल्गु नदी क्या है, वह एक सीजनल रिवर है, ठीक है, तो वह बरसात के मौसम में उसमें पानी होता है, बाकी समय में सूखा होता है, तो बताइए कि फल्गु नदी में पानी कहाँ से लाइएगा। और रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है अंदर से, ठीक है, यानी बाई पार्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ऑडिट में फॉरेंसिक ऑडिट क्या होता है, ठीक है, और स्टेचुअरी ऑडिट क्या होता है। नेक्स्ट है डीएसपी क्यों बनना चाहते हैं,
जैसे उनसे पूछा गया होगा कि चॉइस आपका क्या है, तो चॉइस का अपना प्रेफरेंस बताए होंगे। तो हो सकता है शायद पहला चॉइस इनका डीएसपी हो, तो फिर पूछा गया कि डीएसपी क्यों बनना चाहते हैं, डीएसपी और इंस्पेक्टर में क्या अंतर है, ठीक है ये पूछा गया। नेक्स्ट है डीएसपी का क्या क्या गुण होना चाहिए, मतलब एक डीएसपी है एक प्रशासनिक पदाधिकारी है तो उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, ठीक है वो पूछा गया। आपके अंदर क्या क्या गुण है, ठीक है यानी आपके अंदर कौन कौन सा गुण है ये भी बताइए, ये भी पूछा गया। यानी योर स्ट्रेंथ योर वीकनेस आपके अंदर, ठीक है जो भी कुछ अपने अपना डेप्थ जो आपका है उसे आप अच्छे से भर लें और उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे ही जाते हैं, जैसे योर हॉबी योर स्ट्रेंथ योर वीकनेसेस योर अचीवमेंट इन लाइफ योर शॉर्ट टर्म गोल योर लॉन्ग टर्म गोल, ठीक है इस तरह के प्रश्न पूछे ही जाएंगे। ठीक है नेक्स्ट है एक लीडर का क्या गुण होना चाहिए, मतलब कोई लीडर है उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए ये पूछा गया। नेक्स्ट आपको कहीं का डीएसपी बना दिया जाता है तो आपकी प्राथमिकता क्या होगा, मतलब आपको कहीं का एक डीएसपी बना दिया जाता है तो आप कौन से कार्य को प्रायोरिटी में लेकर के वो कार्य करेंगे, आपका क्या प्रिफ्रेंस होगा। ठीक है आप डिप्टी एसपी हैं, ढाबा पर चाइल्ड लेबर हो रहा है तो इसको कैसे रोकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, यदि वो बच्चा उसी ढाबे वाला का है तो क्या करेंगे, ठीक है तो कुछ इसमें प्रोविजन है, ठीक है बाल मजदूरी वाला तो प्रोविजन आपको देख लेने हैं। ठीक है किसी जगह मारपीट हो गया है आपके पास आता है आप कैसे कार्रवाई करेंगे, आप डीएसपी हैं किसी जगह मारपीट हो गया है और वह आपके पास आता है तो आप क्या करेंगे। ठीक है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, प्रोसेस क्या है उसको गिरफ्तारी करने का, मतलब ये बताया होगा कि उनको गिरफ्तार करेंगे तो आखिर क्या है प्रोसेस गिरफ्तारी का। नेक्स्ट है बिहार की मुख्य समस्या, जहाँ तक हमको लगता है कि जो जॉब है वो भी शायद पुलिस डिपार्टमेंट में ही करते होंगे तभी इनसे इतना ज़्यादा डीप में पूछा जा रहा है, ठीक है और इनका फर्स्ट प्रेफरेंस डिप्टी एसपी है तो कहीं ना कहीं दोनों मैच हो गया तो ये जॉब से रिलेटेड और इनके प्रेफरेंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस दाग दिए हैं। ठीक है बिहार की मुख्य समस्या, देखिए ये तो प्रश्न जेन्युइन होगा और पूछा ही जाएगा मोर और लेस हर इंटरव्यू देने वालों से। नेक्स्ट है कि स्वास्थ्य समस्या का समाधान क्या है, आपको बताना है कि जो बिहार की स्वास्थ्य समस्या खराब है, नंबर ऑफ पर 1000 बेड्स जो हैं वो काफ़ी कम हैं या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हॉस्पिटल का वो काफ़ी कम है काफ़ी ख़राब है, ठीक है अप टू द मार्क नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य समस्या है उसको समाधान करने का क्या उपाय है वो आपको बताने हैं। और भी बहुत सारे प्रश्न उनसे पूछे गए, ठीक है तो बस 27-28 प्रश्न आप सोच सकते हैं कि इनसे 27 प्रश्न के अराउंड क्वेश्चंस पूछे गए, कुछ और भी क्वेश्चंस पूछे गए मज़े लेने के लिए जैसा कि वो लिखे हुए हैं। तो चलिए मैं इस इंटरव्यू को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ, ठीक है तो ये कहीं ना कहीं ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस आपके आने वाले इंटरव्यू में एक अच्छा सा गाइडलाइन देगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको फाइनली यहाँ पे कंक्लूजन यही मिला होगा कि पहला आपका ऑप्शनल अच्छा होना चाहिए, ऑप्शनल जो आप चूज किए हैं तो उसमें से प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे। दूसरा है कि आपके हॉबी से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड प्रश्न पूछे ही जाएंगे, यदि जॉब है तो आप जॉब से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, जॉब नहीं है तो हॉबी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा करंट अफेयर के समस्या करंट अफेयर के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चौथा जो है बिहार से रिलेटेड प्रश्न है, बिहार की क्या समस्या है, फ्लड को कैसे कंट्रोल करेंगे या फिर जो भी आर्थिक पिछड़ेपन का कारण है, ठीक है वो सब बिहार एक यंग स्टेट है तो कैसे उसके पोटेंशियल को रिप आउट किया जाए, तो इस तरह के प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है तो आपको देख करके जाने हैं, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं और आपके मन में कोई और भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ऐसे मैंने बीपीएससी में जितने भी बोर्ड इस बार बने हैं उन बोर्ड मेंबर का एक वीडियो बना दिया है ताकि आप उन बोर्ड मेंबर के बारे में थोड़ा जान लीजिए वह किस बैकग्राउंड के हैं, ठीक है तो कहीं ना कहीं आपको आंसर देने में भी सहूलियत होगी थोड़ा सा। आप उन्हें अब मैं क्या बोलूँ आप समझ गए होंगे, जैसे अरुण भगत सर हैं तो वो कहीं ना कहीं उनका माइंडसेट है थोड़ा सा राइटिस्ट राइट विंग की तरफ है, ठीक है अक्सर उनको देखा गया है कि कई जगह वो जाते हैं जैसे आरएसएस से संगठन से जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सा राइट विंग उनको देखा जा सकता है। ठीक है तो उसी तरह से सभी बोर्ड मेंबर के बारे में बताया गया, जैसे दीप्ति मैम है
वो PSIR की प्रोफेसर हैं, ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी की। तो इनके बारे में भी एक अच्छा सा बैकग्राउंड उसमें बताया गया है, ठीक है, तो उस चीज़ को आप देख लीजिएगा। और इम्तियाज़ अहमद सर का बोर्ड है, अशोक शर्मा सर का बोर्ड है, तो उनका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, उससे पता चल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो फिर से एक छोटी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। जय हिंद।